सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिफाई 2.0 पर। तो आप सभी कैसे हैं? तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था। हम देखते हैं कि वो अपनी कोई कन्वर्सेशन कर रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैसा उनसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए हो। हम देखते हैं कि वो लड़की जवाब देती है कि हम एक बॉल से आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आगे बताती है कि बॉल पर काम ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर स्काउटिंग के लिए मदद करने के लिए भेजा गया है। हमें नहीं बताया जाता कि ये बॉल किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि वो आगे कहती है कि तुम्हें फ़ाइट के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। हम देखते हैं कि ड्रेन उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस बॉल पर क्या देखा था कि तुम ऐसी बातें कर रही हो, जिसके आगे हम देखते हैं कि वो सभी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुके थे। वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए भी थे। वो अपने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि आगे टैसा कहती है कि क्या आपने सच में अलाक्रियंस की आर्मी की मेजिस के साथ फ़ाइट की है, जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि हाँ, हमारी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि एक बेस है जो कि वॉल पर है। हम देखते हैं कि लेकिन वो जो फाइट हुई थी वो ग्लाडियंस की सीमा पर थी, यानी कि बॉर्डर्स पर, जिसके आगे हम देखते हैं कि और वहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हमारे लिए मेजिस ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं थे, बल्कि वहाँ के जानवर थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तभी दूसरी लड़की कहती है कि अलाक्रियंस की आर्मी के पास एक एस क्लास बीस्ट की पावर है, जो कि एक माना बीस्ट है। वो आगे कहती है कि इसलिए हाई अप्स ने हमें यहाँ पर भेज दिया ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। वो कहती है कि लाक्रियंस की आर्मी के पास हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मानव बीस्ट को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। उसके आगे वो कहती है कि इससे पहले कि लाक्रियंस की आर्मी बॉल पर हमला करके उसे तोड़कर अंदर आए, हमें उससे पहले उन्हें ढूंढ कर उन्हें ख़त्म करना होगा, जिसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि हमें ये सब भी करना होगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो आगे बताती है कि उन्होंने मानव बीस्ट को म्यूटेंट कर दिया है, जिससे उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन वो आगे बताती है कि वो सभी करप्टेड मानव बीस्ट जो कि म्यूटेंट हैं, वो सभी अपने अपने डंजन्स के बॉस थे। इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे और उन्हें अलाक्रियंस की आर्मी ने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो आगे बताती है वो उन्होंने मानव बीट्स के बॉस को कंट्रोल किया, जिससे वो बाकी की उनकी आर्मी को भी कंट्रोल कर सकते थे, यानी कि वो सभी डंजन्स की आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो आगे कहती है कि जब तक ये मानव बीट्स एग्जिस्टेंस में है, ये म्यूटेंट्स एग्जिस्टेंस में है, वो अलाक्रियंस की आर्मी को सर्व करते रहेंगे और उनकी बैटल में उनकी मदद भी करेंगे, वो उन्हें फाइट को भी जितवाएंगे। लेकिन हम आगे देखते हैं कि इससे पहले कि वो एक बड़ी संख्या में अपने म्यूटेंट जानवरों को इकट्ठा कर मानव बीस्ट को इकट्ठा कर हम पर हमला करें, उससे पहले हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो आगे बता रहे थे कि हमारी टीम जिस डंजन में नियुक्त की गई थी वो एक एस क्लास बीस्ट का घर था, जिससे हमें उस पर जीत पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ये जीत हमारे बैटल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। और उसके आगे हम देखते हैं कि टैसा उनसे कहती है कि मुझे वॉल पर होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी दो। लेकिन हम देखते हैं कि टैसा की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता था कि ये कोई कहानियाँ नहीं है जो कि तुम यहाँ पर मज़े से सुन रही हो, यहाँ पर सभी की जान दांव पर लगी है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि टैसा जवाब देती है कि मुझे पता है कि बैटलफील्ड का मतलब क्या होता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इन सभी बीस्ट को हराने के बाद हमारी टीम को उस बैटलफील्ड में भेजा जाएगा ताकि हम उनसे लड़ सकें, इसलिए हमें थोड़ा तैयार रहने की ज़रूरत है। हमारी टीम को पता होना चाहिए कि वो किसके खिलाफ लड़ने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन उससे पहले कि कुछ होता,
और दूसरी लड़की आकर उसे शांत करा देती है। वो उससे कहती है कि तुम शांत रहो। और हम देखते हैं कि वो उसे एडम को वहाँ से ले जाती है। तो वही इस लाल बालों वाले बंदे का नाम एडम है। और हम देखते हैं कि वो आगे उसे बताते हैं टेसा से कि एडम ये तुम्हें जानबूझकर नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये तुम्हें पता चल सके कि वहाँ पर कैसे हालात हैं। वो किसी कारण से ही तुम पर गुस्सा हो रहा था और उसकी बातों का दिल पर मत लेना। लेकिन हम आगे देखते हैं कि हेलन टेसा से कहती है कि भले ही तुम ऐसे बीच से लड़ रही हो, लेकिन क्लाकनियस की आर्मी इन मानव बीट से कहीं ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। तुम जब उनका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो आगे और बताती है। तभी एक और लड़की बोलती है कि दोनों तरफ के लोग, यानी कि हमारी कंट्री और दूसरी तरफ से अलाक्रियंस की आर्मी, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइज, अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ आजकल थोड़ी सी काम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर फसल वगैरह काटी जा रही है, तो सॉरी। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो आगे कहती है कि हमारे लिए यहाँ पर ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए वो जानवर गलत, बुरे और हम अच्छे हैं। ये एक काले और सफ़ेद के बीच में एक लड़ाई है। भाई साहब, ये जो भी कह रहे हैं मुझे तो समझ आ नहीं रहा है। आपको आ रहा है तो प्लीज़ मुझे भी बताएगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा ये क्या कह रहे हैं। और कुछ दिन से तो आर्थर को बिल्कुल ही गायब कर दिया है। चलो आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि वो ऐसे ही अपने कुछ ज़रूरी बातें कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक बंदे को किसी चीज़ से घायल हो चुका है और वो वहाँ पर आया है। हम देखते हैं कि उसे किसी ने अच्छे से बैंडेज लगा दी थी और वो उस पर पट्टियाँ वगैरह कर दी गई थी। हम देखते हैं कि वह बाकी सब वहीं पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस बंदे को होश आ चुका था, उठ कर बैठ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो सभी पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी टीम कहाँ है। हम देखते हैं कि वो बंदा बताता है कि वो कहता है कि मैं अकेला ही बच पाया, वो सभी मारे गए, उन्हें एक बीस्ट ने बहुत बुरी तरह मार दिया। वो आगे बताता है कि वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, मेरे टीम मेंबर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर वापस चलना गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर वापस गया तो मैंने देखा कि एक बीस्ट ने मेरी सारी टीम को ख़त्म कर दिया है। वो उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह मार दिया था, उन सभी को। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा छुपने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे फिर भी काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था जो मैं वहाँ से भागकर निकल सका। लेकिन वो आगे रोते हुए बताता है कि लेकिन वहाँ से निकलने से पहले मुझे वहाँ पर भूखे प्यासे कई दिनों तक वहाँ पर रुकना पड़ा। मैं वहाँ पर छुपा रहा ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। वो आगे बताता है कि मुझे वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट दिखाई दिया था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स उसकी रखवाली कर रहे थे, जैसे उसके पीछे कुछ है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वो आगे बताता है कि शायद वो हमें मिल चुका है, हमें नहीं बताया जाता कि वो किस काफी जल्दी हमला हो चुका है और वो कहता है कि सेना वहाँ पर आने ही वाली है। इसके बाद हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो शायद टेसा अपने ग्रैंडपा से फाइट कर रही थी कि उसे भी जाकर बैटलफील्ड में लड़ना है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे मना कर रहे थे। और हम देखते हैं कि